वेलकम इन एके स्टडी 1024। मैं हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले मैंने क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सभी की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे जो आई बटन होता है यहाँ पर भी आपको कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, इसका बेसिक भी आपको बता दिया था। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स 0.0 एंड 36.15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। मतलब कि पहले हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। फिर उसके बाद पूछा गया क्या तुम ए और बी जो दो टाउन बताए गए थे सेक्शन 7.2 में उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो पहले बात करते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो जो दो पॉइंट मुझे गिवन थे वो मैंने लिख लिया। पहला पॉइंट 0.0, इसको मैं नाम देता हूँ इस पॉइंट को पॉइंट ए, और जो दूसरा पॉइंट है 36.15, इसको मैं नाम देता हूँ बी। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब मुझे ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है 2D में, तो हम क्या करते हैं, एक को आप मान लो x1 y1। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, और दूसरे को मान लो आप x2 y2। तो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाता है x2 - x1² प्लस में y2 - y1² और ये सारा किस में लोगे आप, अंडर रूट में। तो यहाँ से देखो x2 की वैल्यू कितनी है 36, तो ये हो जाएगा 36 - x1 की वैल्यू कितनी है 0, तो 36 - 0² और यहाँ से y2 की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ पे y2 की वैल्यू रखनी है, माइनस y1 कितना है 0 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो 36 - 0 36 ही होता है, प्लस में 15 - 0 15 ही होता है। तो यहाँ से आप एक बात सीख सकते हो कि अगर इसमें से एक पॉइंट सीधा 0 0 दिया गया है तो सीधा दूसरे पॉइंट का स्क्वायर कर दो, क्योंकि 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर देखो 36 का स्क्वायर अगर आप करोगे आपको मिलेगा 1296, और 15 का करोगे तो आपको मिलेगा 225। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना मिल जाएगा, 6 और 5 11 का 1 कैरी हुआ 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 2 कैरी हुआ 1, 2 और 2 4 और 1 5 ये 1। ठीक है, तो कितना आ गया 1521। अब अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आता है तो ठीक है, या फिर याद है तो आप डायरेक्ट भेज सकते हो। तो यहाँ पर देखो कितना 1521 है, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, 3 से होगा ये पहले, ठीक है ना, 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 1 है, तो 3 5 जा 15, और फिर 15 पूरा कट गया, कितना बचा 2, 2 में नहीं जा रहा है टेबल, 1 को मिलाना पड़ेगा, दो नंबर एक साथ मिलाने से पहले 0 बढ़ाते हो, 3 7 जा 21। फिर यहाँ से 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2 बचा होगा, 2 पे आगे 0, यानी 3 6 जा 18, 20 था 20 में से कितना कट गया 18, 3 6 जा 18, 2 पे आगे 7, 3 9 जा 27। आप जानते हो 1 6 13 का स्क्वायर होता है, मतलब कि 13 का टेबल 13 बार ही जाना है पक्की बात है, और 13 का टेबल फिर 1 बार जाएगा। तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हो 3 × 3 × 13 × 13। अब आप जानते हैं जो चीज अंडर रूट में होती है वो जोड़े में, अगर यहाँ पे 2 बार है तो बाहर 1 बार आती है, इसी तरह से 2 बार है तो बाहर 1 बार आएगी। तो यहाँ से 13 3 जा 39, जो भी इनकी यूनिट्स होगी वो डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, ए बी। अब इसके बाद सेक्शन 7.2 की बात की गई थी, तो वो डिस्टेंस आप निकाल लेना, आराम से निकल जाएगा ए और बी के बीच का। ठीक है ना, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमसे बोला गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1.5 2.3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। मतलब कि हमें तीन पॉइंट्स गिवन है, हमें बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो भी तीन पॉइंट्स है उनको मैंने नाम दे दिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब देखो तीन पॉइंट कोलिनियर है या नहीं इसको चेक करने के बहुत से मेथड हैं। यहाँ पर जो हम तरीका लगाने वाले हैं वो ये है कि अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इनमें से अगर मान लीजिए पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ ए बी, फिर निकाल लेता हूँ बी सी और फिर निकाल लेता हूँ ए सी, तो किन्हीं दो को जोड़ के तीसरे के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो मतलब कि अब हमें करना क्या है, पहले डिस्टेंस निकालने तीनों। तो मैंने पहले यहाँ पर ए बी निकाला, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है x2 - x1² प्लस में y2 - y1² ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर ए बी इसके लिए ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से x2 यानी कि 2 और x1 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1² प्लस में,
वाई टू माइनस वाई वन यानी कि 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। 3 माइनस 5 -2 हुआ, -2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो ए बी आया है वो आ गया है 4 और 1 यानी कि अंडर रूट में 5। ए बी पता लग गया, ठीक है ना। तो मतलब मैंने यहाँ पर ए बी निकाल लिया। अब बात करते हैं बी सी की, ठीक है। तो बी सी आप कैसे निकालोगे, फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस बार यहाँ पर ये एक्स टू वाई टू का काम करेगा और ये एक्स वन वाई वन काम करेगा, मतलब -2 -2, ठीक है। तो -2 -2 का स्क्वायर प्लस में -11, और उसमें से 3 माइनस करना है, यानी कि -11 -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, -2 -2 कितना हो गया, -4 -4 का स्क्वायर यानी कि 16, और -11 -3 -14 हुआ, -14 का स्क्वायर 196। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो बी सी है वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को क्या करो आप, जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 212, ठीक है। तो बी सी पता लग गया। अब क्या करते हैं, ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, ए सी के लिए क्या होगा, ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू, यानी कि -2 में से 1 माइनस करना है, यानी कि -2 -1 इसका स्क्वायर प्लस में -11 से 5 माइनस करना है, यानी कि -11 -5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2 -1 -3 का स्क्वायर यानी कि +9, और -11 -5 यानी -16, उसका स्क्वायर करोगे 260 256। तो यहाँ से जो AC है इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट में 265, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ोगे 265 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट अंदाजा लगा पा रहे हो, देखो ये जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर नहीं आएगा, सबसे बड़ा ये आया है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई जो अंडर रूट 265 है, जो कि सबसे बड़ा मुझे नजर आ रहा है, ये अंडर रूट 212 प्लस में अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 5 के बराबर नहीं है, ठीक है। या फिर आप एक काम करना, अगर आपको अंडर रूट निकालना है तो आप अंडर रूट 5 की वैल्यू फाइंड आउट करो, अंडर रूट 212 की वैल्यू फाइंड आउट करो, अंडर रूट 265 की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर आपको आसानी से पता लग जाएगा। और अगर आपको अंडर रूट फाइंड आउट करना नहीं आता है, तो यहाँ पर जो आई बटन है आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने ये बताया कि हम लॉग डिवीजन मेथड से अंडर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही आराम से और तरीके से बताया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप वहां से देख लेना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 265 किसके बराबर था, एसी के, जो कि बराबर नहीं आया। 212 अंडर रूट में किसके बराबर था, बीसी के, और अंडर रूट 5 ए बी की वैल्यू थी। तो ये अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे भाई पॉइंट जो हैं आर नॉट कॉलिनियर, ठीक है, जो पॉइंट है वो कॉलिनियर नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे बोला गया, चेक वेदर 5.2 6.4 एंड 7.-2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। मतलब कि हमें चेक करना है कि क्या ये तीनों पॉइंट जो हैं ये एक आइसोसेल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात, आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी कम से कम दो साइड्स आपस में बराबर हो। कम से कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तीनों बराबर होंगी तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक आइसोसेल ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। तो यानी कम से कम दो साइड्स बराबर आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर जो तीन पॉइंट थे ऐसे रफली ड्रॉ कर लिया इनको, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, और इसको सी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कोलिनियर भी हो सकते हैं, तो ये रफ फिगर है क्योंकि हमने तो चेक नहीं किया ना कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। अब क्या करते हैं, चलो ए बी बी सी और ए सी निकालते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको लिखना होता है, तो एक बार आप फॉर्मूला जरूर लिखना हर बार जब भी आप नया क्वेश्चन करते हो। तो x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर, सारे अंडर रूट में है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी ए बी, ठीक है। तो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो 6 में से 5 घटाओ पहले, 6 - 5 इसका स्क्वायर प्लस में y2 - y1, इसको y2 बोल रहा हूँ, इसको y1 बोल रहा हूँ, यानी कि 4 में से मैं माइनस करूंगा -2 को। अब क्योंकि देखो फॉर्मूले में भी माइनस आ रहा है, और जो 2 है इसके पास अपना एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 - 5 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 + 2 6 हुआ, 6 का स्क्वायर कितना, 36। तो यहाँ से जो ए बी था हमारा वो आ गया 37, अंडर रूट के अंदर 37 यूनिट्स।
हमें ये नहीं पता सेंटीमीटर किलोमीटर क्या है, तो हमने क्या लिख दिया, यूनिट्स लिख दिया। ठीक है चलो, ए बी तो हमें पता लग गया, ए सी निकाल के देखते हैं यहाँ से। ए सी, ए सी कितना होगा, इसके लिए एक्स वन वाई वन है और ये एक्स टू वाई टू है। ठीक है, तो 7 माइनस 5 होगा पहले, 7 माइनस 5 इसका स्क्वायर, और माइनस टू, इस माइनस टू में से ये वाला माइनस टू घटाना है तो प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अपना माइनस है और फॉर्मूले के पास ही माइनस है। तो ये माइनस टू प्लस टू तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर कितना 7 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट के अंदर 4 हो जाएगा, ये तो 0 है, और ये कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एसी है उसकी वैल्यू आ गई 2 यूनिट्स। ठीक है चलो, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बीसी भी निकाल के देखते हैं। बीसी की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, इसको बोल देते हैं एक्स वन वाई वन, इसको बोल देते हैं एक्स टू वाई टू। तो यहाँ से 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इसका स्क्वायर, और -2 -4 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 7 माइनस 6 कितना बचा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और यहाँ से कितना हो गया, -6 हो गया। ठीक है ना, -2 -4, तो इनको जोड़ोगे -6 -6 का स्क्वायर + 36। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो बी सी आया वो आ गया √37 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो 3 साइड आई हमारे पास, उसमें से ए बी भी 37 है, बी सी भी 37 है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी बराबर है बी सी के, और जो इसकी तीसरी साइड है ए सी वो कितना है, वो है 2। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं और √37 यूनिट्स हैं, और किन्हीं भी दो साइड को जोड़ोगे तो तीसरी से बड़ा ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये कितना आ गया, ए बी हमारा 37, ए सी कितना आया 2, और ये कितना आया √37। तो क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है ये लंबी कहानी है, शॉर्ट कट में आप सुन लो सिंपल सा, कि किन्हीं भी दो साइड को जोड़ के तीसरे से बड़ा आना चाहिए। तो अब इन दोनों को जोड़ो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों को जोड़ो इससे बड़ा आएगा, इन दोनों को जोड़ो इससे बड़ा आएगा, तो मतलब ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और दो साइडें बराबर आ रही है, मतलब वो ट्रायंगल कैसा होगा, आइसोसेल ट्रायंगल होगा। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से बोला गया, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डू यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब कि क्या है कि एक क्लास है जिसमें 4 बच्चे अलग अलग पॉइंट ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आते हैं और इन बच्चों को बैठे हुए देख के चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम्हें लगता है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। लेकिन जो चमेली है वो डिसएग्री कर देती है, वो मना कर देती है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो पहले ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हम एक्स देखेंगे फिर वाई। तो यहाँ पर देखो एक्स कितना है 3 और वाई कितना है 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3,4। इसी तरह से जो बी है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बी के लिए एक्स देखोगे तो कितना मिलेगा 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 7, तो बी के कोऑर्डिनेट हो गए 6,7। इस तरह से सी के लिए एक्स कितना है 9 और वाई कितना है 4, तो ये जाएगा 9,4। और जो डी है इसके लिए एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 1, तो ये 6,1। तो ये सब मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है ना, ए बी सी और डी का। अब देखो स्क्वायर है कि नहीं हम कैसे पता लगाएंगे, स्क्वायर के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि चारों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। चारों साइड अगर बराबर हो जाएंगी तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक रोमबस हो जाएगा। अब रोमबस हो गया, रोमबस से स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर इसके डायगनल आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब अगर रोमबस हो चुका है फिर हम डायगनल चेक करेंगे, डायगनल अगर बराबर आ गए तो ये स्क्वायर होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बात करते हैं ए बी की। ठीक, ए बी के लिए फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि नया क्वेश्चन है तो एक बार फॉर्मूला आप लिख लो। तो यहाँ से x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x2 में से x1 घटाना है, बात किसकी कर रहे हैं हम, ए बी की। तो इसको x1 y1 बोलेंगे, इसको x2 y2 बोलेंगे, तो यहाँ पे 6 - 3 हो जाएगा और इसका क्या कर दोगे स्क्वायर, और 7 - 4 y2 - y1, तो यहाँ से कितना आया, ये हमारे पास आ गया 6 - 3, यानी कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 7 - 4, 7 - 4 कितना होता है 3,
होता है 3 का स्क्वायर कितना, 9। आप देखो 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 होता है, अंडर रूट 18 को आप लिख सकते हो 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई, 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब देखो अगर आपको ये सीधा ट्रिक से करना है या फिर कैसे आया ये समझना है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो यहाँ पे प्लस में, जैसे कि 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 9 3 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर भी 9 है 3 का स्क्वायर होता है, तो ये जिसका स्क्वायर होते हैं वो बाहर लिख दो, और ये कितनी बार है, एक बार, दो बार, दो अंदर लिख दो, ये ट्रिक है, ठीक है ना। मतलब अगर 9 प्लस 9 प्लस 9 3 बार होता तो हम क्या करते, 9 3 का होता है तो 3 बाहर आ जाता, और 1 2 3 बार है तो 3 अंदर रहता। अगर आपको ट्रिक से नहीं करना है तो आप सिंपली क्या करो, 9 प्लस 9 18, यानी अंडर रूट 18 आ गया, 18 को आप ऐसे फैक्टराइज करोगे तो 2 9 जा 18, फिर 2 सॉरी 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो यहां से 18 को आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर ये 2 बार है, जो 2 बार होता है वो बाहर आ जाता है, और अंदर क्या बचता है, जिसका जोड़ा नहीं बना था, तो 3 रूट 2 ऐसे भी आ जाएगा। या फिर आप सिंपल सा ट्रिक याद रखो, ये किसका स्क्वायर होता है था, 3 का, ये भी सेम चीज है, तो 3 बाहर आ जाएगा, और कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो 2 अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, ये ट्रिक होता है। तो ए भी हमें पता लग गया भाई कि 3 रूट 2 यूनिट्स आया। अब बात करते हैं जरा बी सी की, ठीक है ना। तो यहाँ बी सी लिखा मैंने, बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x1 y1 ये हो जाएगा, और x2 y2 ये हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 9, तो 9 में से 6 माइनस करो तो जाएगा 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 कितना होता है, 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 माइनस 7 कितना होता है -3, -3 का स्क्वायर भी +9, तो यहां से भी कितना हो जाएगा, फिर से वही चीज भाई, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 बार है, किसका स्क्वायर होता है 3 का, कितनी बार प्लस में है, 2 बार, तो 3 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा BC, तो भाई जो AB आया था 3 रूट 2 यूनिट्स, उतना ही BC भी आ गया, तो मतलब ये दोनों तो बराबर हो गए। अब बात करते हैं भाई CD कितना है, ठीक है ना। तो यहां से मैंने लिखा CD इज इक्वल टू, CD क्या हो जाएगा, सीधा सीधा लिख रहा हूं अब मैं, ठीक है, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 कितना होगा, -3, -3 का स्क्वायर +9, और 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 -3 होगा, -3 का स्क्वायर भी +9, यानी ये भी कितना हो गया 3 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है, ये साइड भी बराबर आ गई इन तीनों के ही। इसके अलावा आप बात करते हैं जरा AD की, AD कितना होगा, x2 माइनस x1, यानी कि 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, 1 माइनस 4, -3, -3 का स्क्वायर 9, यानी ये भी कितना आ गया 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो आप देखो ये चारों साइडें बराबर हो गई, जैसे ही चारों बराबर हुई तो हम कह सकते हैं कि ये रोम्बस है, ठीक है ना। अभी तक ये रोम्बस प्रूफ है सिर्फ, अभी हमें डायगोनल चेक करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं इसके लिए। तो पहले इतनी स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा एज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ठीक है ना, ये बराबर है। दिस इम्प्लाई, ये इम्प्लाई करता है कि ABCD इज रोम्बस, अभी तक ये रोम्बस हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ नाउ वी चेक फॉर डायगोनल, वी चेक फॉर डायगोनल्स, मतलब हम डायगोनल का चेक करेंगे कि ये डायगोनल बराबर है कि नहीं। तो डायगोनल कौन कौन से होंगे इसके, एक डायगोनल होगा इसका AC और एक डायगोनल होगा इसका BD। अगर डायगोनल किसी रोम्बस के बराबर हो गए तब वो स्क्वायर होता है, आपको याद रखना है। तो डायगोनल पहले AC की बात करते हैं, AC के लिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, जैसा कि मैंने दिखाया 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से आप देख लो, यहाँ से हो गया 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4, तो देखो 4 माइनस 4 तो 0 हो गया, इसको तो भूल जाओ, 9 माइनस 3 कितना बचेगा, 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, ठीक है, और 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी एक जो डायगोनल है वो आ गया 6 यूनिट्स। दूसरा डायगोनल क्या है इसका, BD, BD की बात करते हैं भाई, BD के लिए क्या करोगे आप, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 6, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और 7 माइनस 1 यानी फिर से वही 6, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हो गया 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट 36, क्योंकि ये तो 0 हो गया, और 7 माइनस 1 6, उसका स्क्वायर 36, और ये कितना आ गया 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो AC है इज इक्वल टू BD के बराबर आ गया, यानी डायगनल्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इफ डायगनल्स डायगनल्स ऑफ अ रोम्बस
आर इक्वल देन इट विल बी अ स्क्वायर, इट विल बी अ स्क्वायर, मतलब कि अगर डायगोनल किसी भी रोमबस के बराबर है तो पक्की बात है एक स्क्वायर होगा, तो जो ABCD है वो एक स्क्वायर है। इसका मतलब क्या पता लग गया कि भाई जो डिसएग्री कर रही थी लड़की वो गलत बोल रही थी, असलियत में वो एक स्क्वायर ही है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि यहाँ पर जो भी हमें चार पॉइंट दिए गए हैं हर एक पार्ट में, हमें बताना है कि इनसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है और फिर रीजन भी बताना है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ। पहले पार्ट में जो भी पॉइंट गिवन थे मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया, चार पॉइंट गिवन थे जिसको मैंने A, B, C और D का नाम दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक रफ फिगर बना लेंगे क्वाड्रिलेटरल की ABCD, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -2, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 1, 0, सी के हैं -1, 2, और जो डी है वो है -3, 0। अब देखो हर क्वेश्चन में इस टाइप के आपको क्या करना होगा, आपको पहले चारों साइड फाइंड आउट कर लेनी है। चारों साइड में अगर मान लो चारों साइड ही बराबर आ जाती है तो पक्की बात है कि वो रोमबस होगा। अब रोमबस हो गया, रोमबस होने के बाद आप डायगोनल चेक करोगे, अगर डायगोनल भी बराबर आते हैं तो स्क्वायर होगा जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मान लेते हैं कि आमने सामने की साइड सिर्फ बराबर आती है, ये वाली इसके बराबर आती है और ये वाली इसके बराबर आती है, तब वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, तब वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम होने के बाद फिर से आप डायगोनल चेक करोगे, अगर डायगोनल बराबर हो गए तब वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, नहीं हुए तो सिर्फ वो पैरेललोग्राम ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि पहले चारों साइड चेक करनी है, उसके बाद डायगनल चेक करनी है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन में यही करना है। तो देखो यहां पर बात करते हैं पहले ए बी की। ए बी क्या होगा, ए बी हमारा हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां से ए बी यानी कि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो 1 है इसमें से, हम माइनस करेंगे -1 को क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, इसके बाद अपना माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसी तरह से 0 - 2, 0 माइनस फिर से -2 यानी कि +2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 4, प्लस में 0 + 2 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना 4। अभी जो मैंने ट्रिक बताया था आपको उसके हिसाब से मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये सेम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दो जगह, 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यानी 2 बाहर आएगा, कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पे 1 2 बच जाएगा, ठीक है ना। ट्रिक फिर से बता देता हूँ, अगर हमारे पास सेम परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक से ज्यादा बार हो, ठीक है, तो वो किसका स्क्वायर होता है वो आप बाहर लिख दो, और वो कितनी बार था 1 रूट के अंदर, तो यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 बाहर लिख दिया, 1 2 2 बार था यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, 2 रूट 2 आ गया ए बी, तो ए बी हो गया 2 रूट 2 यूनिट। इसी तरह से अगर मैं बी सी निकालू, ठीक है, तो देखो बी सी ये हमारा क्या हो गया x2 y2, ये हमारा क्या हो गया x1 y1, तो -1 में से 1 माइनस करोगे यानी -1, और 2 में से 0, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -1 - 1 - 2 का स्क्वायर 4, और 2 - 0 का स्क्वायर 4, यानी सेम ऐसा बन जाएगा 4 + 4 जो आ जाएगा 2√2। इसी तरह से अगर मैं सी डी की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, फिर से x1 y1 इस बार ये है, x2 y2 ये है, तो यानी कि -3 में से 1 घटाओगे, -3 - -1 करना है, तो फॉर्मूले के पास माइनस है, इसका अपना माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस में 0 - 2, ठीक है। तो -3 + 1 कितना होता है, -2 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 0 - 2 - 2 का, -2 का स्क्वायर 4, यानी 4 + 4 फिर से होगा इसके जैसा ही बन जाएगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर भी 2√2 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं AD निकालूं, AD यानी कि -3 - 3 में से -1 घटाना है, प्लस हो जाएगा, और 0 - 2 यानी कि ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 + 1 फिर से -2 - 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, फिर से वही चीज़ बनने वाली है। तो चारों साइड आपस में बराबर आ गई, 2√2 के बराबर है, तो मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर है, तो पक्की बात है कि अब तक ये रोमबस बन चुका है, ठीक है। अब डायगनल चेक करते हैं, ठीक है ना, रोमबस तो पक्की बात है ये है, ठीक है।
तो अब डायगोनल के लिए सबसे पहले AC और फिर क्या करेंगे हम BD, ठीक है। तो यहां पे मैं AC चेक कर रहा हूं पहले कि AC कितना है। तो यहां से AC इज इक्वल टू AC यानी कि -1, और इसमें से क्या घटाएंगे हम -1 को, यानी कि वो +1 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले के बाद भी माइनस है, इसके बाद भी माइनस है। प्लस में 2 में से घटाना है -2 को, तो ये -2 क्या हो जाएगा प्लस का। तो -1 + 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 4 का स्क्वायर यानी 16, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका अंडर रूट कितना होता है 4, AC 4 आ गया। चलो भाई BD देख लेते हैं, अगला डायगनल BD क्या हुआ हमारा। देखो यहाँ से BD के लिए x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, यानी कि -3 में से 1 घटाना है, -3 -1 का स्क्वायर प्लस में 0 -0, ठीक है ना, वो तो 0 ही रहेगा खैर। तो यहाँ से कितना -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4, तो डायगनल भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ तक क्या बराबर हुआ था, चारों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई AB बराबर साइड्स, ठीक है ना, साइड्स AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इसका मतलब था कि जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज रोमबस, बट जो डायगनल्स हैं, डायगनल्स कौन कौन से डायगनल हैं इसके, एक है AC और दूसरा है BD, वो भी इक्वल हैं। इसका मतलब भाई अब ऐसा रोमबस जिसके डायगनल बराबर आ जाएं वो क्या होता है, स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था, इसी तरह से दूसरा और तीसरा पार्ट करना, तरीका क्या होगा मैंने आपको बता दिया, आप ऐसे ही कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।